नमस्कार, आप जुड़े करुण बिहारी के साथ और आप देख रहे हैं प्रत्येक खबर। आप देख ही ले वीडियो के साथ, कहीं पर सूखा है तो कहीं बाढ़ का पानी है, कहीं पर जो आवागमन जाने का जो है कि रास्ता बहुत कठिन है। तो कारण क्या है? भागलपुर जिला नगोछा गोपालपुर एंड रंगा प्रखंड इलाके में काफ़ी बाढ़ ग्रस्त इलाका बन चुका है। कई जगहों पर जो है कि तटबंध जो है कि क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके कारण से कई गांव को जो परेशानियां बढ़ चुका है। जैसे 8 नंबर ठोकर गोपालपुर सैदपुर में टूटा, जिसके कारण कई गाँव जो है कि अभी जो है कि बाढ़ की चपेट में जो है कि काफ़ी मटक्का बन रहा है। इधर जो चिंतना जिला इलाके क्षेत्र में जो है वहाँ पर जो है अधिक कटा होने से पहले तो 2 साल पहले कटा हुआ था, जिसके कारण जो है कटाव होने से 400 घर बेघर हुआ। अभी भी जो है कि फिलहाल भी शहरी स्थान के निकट जो है कि 20 से 30 मीटर जो है कि ध्वस्त हुआ, और जिसके कारण से जो है कि चिंतना जिला इलाके की सभी जनता जो कि अभी बहुत निसंदेह में है, संकोच में है, कब क्या होने वाला है ये देखकर परिस्थिति बहुत गंभीर देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक नज़र दिखाते हैं जलस्तर कैसा बढ़ा हुआ है, आपको दिखाएंगे ग्राम काली नगर डुमरिया रोड निकट का एक नज़र, कैसा बाढ़ का पानी ने पूरा गांव को घेर लिया है और जो कि मुख्य मार्ग रास्ता यही है। तो चलिए एक नज़र दिखाते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कि घास लेकर दूसरे बिहार से ले जा रहे हैं, क्योंकि शांति नगर बिहार में जो अभी फिलहाल उतना पानी नहीं हुआ, लेकिन चारों तरफ से पानी आ चुका है।